हाय फॉक्स, वेलकम बैक टू उर्दू गेम प्लेज। शुरू करेंगे लास्ट मैच को जहां पर हमने लेफ्ट किया था। तो हमें जाना पड़ेगा लोड गेम में भाई, और पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था भाई। एक्सपीजन मैच, वन डे इंटरनेशनल, सेकंड इनिंग थी, एक ही ओवर का खेल हुआ था और पाकिस्तान एट द क्रीज था 22 स्कोर पर, कोई नुकसान नहीं था। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि गेम को किस तरीके से लोड किया जाता है क्रिकेट 2005 में, ब्रायन लारा इंटरनेशनल क्रिकेट 2005। बाय द वे, आप स्टिल चेंज कर सकते हैं लोड करते हुए गेम के, आपने कौन सी टीम लेनी है। अगर आप चाहें एज अ चैलेंज तो यहाँ पर दूसरी टीम ले सकते हैं लोड जब करने जा रहे हैं गेम। ओके, लेट्स गो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू उर्दू गेम प्लेस। Bowling boy. Impressive bowling there. Just like I said. Beautiful timing. Good shot, mate. Through the gap, and that'll go for four. Numeric keypad 2 से आप जो है skip कर सकते हैं animations or replays or whatever. He's picked that up and six. Power play का दौर है भाई. That was a really classy shot. So why not? वैसे भी मेरा ख्याल 15 ओवर तक पावर प्ले जाएगा। अफरीदी और यासर अमीद हैं क्रीज पर। क्या ये फोर हो पाएगा? Good fielding boy. Been some pretty good performances by tail enders recently. How did you rate yourself as a batsman when you were playing in? Well, I've always enjoyed batting. It's something that I worked pretty hard at. I started off as an opening batsman at school, and I'm disappointed that at the international level I didn't sort of get the type of scores that I wanted. Yasser Ahmed is on 26. During my time, the role of the tail ender started to change. We were expected to continue. Computer ko main dikhata hu batting kaise karte hain beta. And one of my good friends put it this way: bowling is a job, but batting is pleasure. So yeah, batting is always. Irfan Pathan aaye ji. The left armor to continue. Bowling. No runs there. Confidence आप देख सकते हैं bowler का और batsman का एक जैसा ही अभी बोले तो। Timing नहीं बन पा रही है, run out का chance है जी। Third umpire. थर्ड अंपायर का कहना नॉट आउट। वैसे आपस की बात है, ब्रायन लारा 99 में जो था थर्ड अंपायर वो ज़्यादा मज़े का था, रेड ग्रीन लाइट हुआ करती थी। वाइट बॉल भी नहीं दी, और आजकल तो वैसे एलसीडीज पर, बड़ी एलसीडीज पर लिखा आ जाता है रन आउट का डिसीजन। वो स्पेशल बॉल, हैज अ ट्विस्ट मेट। यासर अमीद गॉन और LBW हो गए हैं मेरे ख्याल में। वैसे यार ऑफ स्टंप पे जा रही थी बॉल थोड़ी सी, बहरहाल हॉक आई बताएगी अभी कि अंपायर का फैसला जो था वो दुरुस्त था। मैं देख ही नहीं पाया कि बॉलर फुल कॉन्फिडेंस पर है, और जी बिल्कुल ये लेजिट आउट दिया गया है। बॉल जो है वो स्टंप्स को, ऑफ स्टंप को छू कर जा रही थी, और बैटिंग के लिए शुएब मलिक को तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा यार, नो नेवर। यूसुफ युहाना, जो कि अब मोहम्मद यूसुफ के नाम से जाने जाते हैं, वो आए जी बैटिंग करने। बॉलर का कॉन्फिडेंस आप स्टिल देख सकते हैं फुल है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा कोई भी। मुझे पता था ये ऐसी बॉल करेगा, रन आउट हो जाना था अगर मैं ये रन लेने की कोशिश करता तो। टू के बटन से नॉर्मल शॉट है, सिक्स के बटन से सिक्स वाली शॉट है, यू ऑलरेडी नो। Big shout. The umpire turns that one down, but it must have been close. Ball bach gaya, aur bowling karne aayenge ji Ajit Agarkar. Sambhal kar khelne ka waqt hai beta. The batsmen changed their minds. Itna acha khelte khelte tum logon ko ho kya gaya hai?
It's all about timing. Mix up between the batsmen. That's another single there. Not out tha ye bhi ji. Main thoda besabra ho jata hu cricket games mein. They're in disarray. Good bowling. Batsman ka confidence thoda niche chala gaya. Very late on the shot. Gone for naught. Oh my. That's a long walk back when you haven't scored many runs. And Yusuf goes on a duck. मामूलाक का आएंगे जी बैटिंग करने. Real concentration required. मामूलाक वैसे ही इतना पतले तो नहीं थे वैसे तब. स्पेशल बॉल यूज कर गया बॉलर और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जी अजीत अगारकर. व्हाई नॉट. बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग. इरफान पठान वंस अगेन. लेफ्ट आर्म टू कंटिन्यू. लेग पर बॉल में ढूंढ रहा था वैसे बड़ी देर से. No run there. क्या हो गया मेरी बैटिंग को. Mix up here. Not out. That's good bowling. एक भी रन नहीं आ रहा और बॉलर के पास फिर से स्पेशल डिलीवरी का चांस आ गया भाई. There's the slower ball. इंडिया की बॉलिंग साइड बहुत तबाही मचा रही भाई आज. फिर स्टिल जो है उसके पास स्पेशल डिलीवरी और वो यूज़ करेगा मुझे पता था. लेकिन इस बार वाइड हो गई है. बहुत गलत बॉल कर गया बॉलर और फोर के लिए जा रही है. फोर के लिए जा रही है लेकिन पकड़ी गई है वहाँ पर. चलो एक वाइड का और दो भाग कर 46 स्कोर हो गया टोटल और दो आउट हैं यार. थोड़ा बंदे का बच्चा बन के खेलना पड़ना है. इससे अच्छी बॉलिंग तो अजीत अगारकर करा रहा था बाबू. शाबाश दो दो दीवाना. Nine. Any type of pace over a long period of time and to even stay fit now is a challenge. Leg par shaan nahi lag rahi, pata nahi kya bakwas. By and large, we don't have the same quantity or quality as there was for the reason. बड़े अरसे के बाद एक six मिला जी. By no means. Oh, कान के नीचे. मैं भाई अभी फोर का बटन से ये शॉट खेली थी. डिफेंसिव खेल रहा था मैं और कान पर लग गई यार. अरे कोई अस्पताल ले चलो. A pretty ordinary over. इंप्रेसिव बॉलिंग कोई शक नहीं. एक सिर्फ सिक्सर पड़ा. अजीत अगारकर ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जी. कोई शक नहीं इसमें. The batsman was absolutely bamboozled by that one. बहुत प्यारी बॉल थी. बहुत प्यारी. बोल्ड भी हो सकता था मैं. या फील्डर है कोई मौजूद क्या. डबल हो पाएगी क्या. What a mess. शाहिद अफरीदी गॉन ऑन 16. आ जा यार शुएब मलिक. कब तक वेट करेगा. I'm sure the new batsman will look to play. शुएब मलिक काफी देर से जो है खेल रहे हैं क्रिकेट. स्पेशल बॉल तो नहीं फेंकेगा. नो बॉल करा दी बेटा. ओहो फायदा नहीं उठा सका मैं फिर भी. तो फ्री हिट तब होती नहीं थी. और फिर स्पेशल बॉल है इसके पास यार. नो बॉल कराने के बावजूद भी सिर्फ इस वजह से कि मैं खेल नहीं पाया उसे. फोर रन्स मिलेंगे भाई यहाँ पर. पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर 60 स्कोर पर. The batsman didn't look comfortable there. Batsmen change their minds. Malik not out on 4. Special delivery, is it? Yes. लेकिन इसकी सजा मिलेगी. बराबर मिलेगी. Lovely. 4 runs की सूरत में. He played that beautifully. बॉलिंग करवाने फिर से आए जी इरफान पठान. Left arm to continue. बैट्समैन का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं आप. फुल लेवल पर है. इस वजह से एक ओवर फोर रन्स. या
स्ट्रेट शॉट खेलें एक, वैसे क्या कहते हैं ये, डिफेंड करें, डिफेंड करते हैं यार, न्यूमेरिक कीपैड 4 से आप डिफेंड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अभी तक मैंने प्रैक्टिकल में नहीं दिखाया था आपको, अब एक और चीज़ प्रैक्टिकल में देखेंगे आप। Everyone had to take cover in the stand. Sixer. तो ये कौन है जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रही है, इंजमामुल हक। लेग पर फील्डर मौजूद है, उसका ध्यान रखें। He sent him back. रन आउट होने का खदशा था यहाँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। इस फील्डर की मैं बात कर रहा था, ये लेग पर मौजूद है तो ऊंची शॉट ना खेलिएगा लेग साइड पर। हुक शॉट, थोड़ा अर्ली खेल गया हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अर्ली खेल गया हूँ। अंपायर ने बोला भाई इतनी बड़ी वाइट है, वाइट नहीं वाइड। इसी खुशी में एक सिक्सर। टारगेट थोड़ा कम है इंडिया का, लेकिन देखते हैं होता क्या है। मलिक को भी गुस्सा चढ़ गया। गुड शॉट मेट फॉर अ सिंगल। बाद में लाहौर में मैच हो रहा है, कद्दाफी स्टेडियम। ओह दैट हर्ट। वक्खी में गेंद लगी, वक्खी में, और बॉलर का कॉन्फिडेंस इसके साथ फुल। सही नहीं खेल पाया यार अजीत तगारकर, इज डूइंग वेल सो फार। व्हाट्स द अंपायर गोना से अबाउट दिस वन। नॉट आउट हो गया भाई, क्योंकि बॉल जो थी वो हिट आउटसाइड द लाइन ऑफ द स्टंप थी और हाई भी थी। बॉलिंग बॉय, बॉलिंग बॉय। वाइट करा गया रे, इतनी ज़्यादा स्विंग ना कर यार, नहीं तो 3 स्कोर हो जाएंगे या चौका हो जाएगा। एंड अनदर फोर। तो ये अल्लाह दिता चौका मिल गया हमें, और बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही बॉल ऑफ से लेग साइड पर, नीचे हो जा। The left arm to continue. असल में क्या है, सर्दियाँ ना तो मक्खियाँ जो है जिस्म पर बैठती हैं आकर। इसी खुशी में got him. That was a loose shot. इंजमामुल हक gone and अब्दुल रजाक is the new batsman on the crease. और क्या हम अभी सो भी नहीं कर पाए, टारगेट है 140 का। मजाक में कई दफ़ा मैच हाथों से निकल जाता है, और बॉलर स्पेशल डिलीवरी फेंकेगा मुझे यकीन है, लेकिन उसने नहीं फेंकी। तो स्ट्रेट पर खेलते हैं, स्ट्रेट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, तो चौका हो सकता है, बल्कि हो गया है, यानी कि तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली ले बैठी। बॉलिंग बॉय। अच्छा एक बाउंसर तब भी जो है अलो था 2005 में। Not the best timing. लेट खेला हूँ यार थोड़ा सा मैं। बॉलर के पास फिर से स्पेशल डिलीवरी, यॉर्कर कराएगा क्या ये? He sent him back. बॉल बॉल बॉल, बच गया रन आउट होने से, तो अगर मैं रन लेता तो शायद ही आउट हो जाता। बॉलर के पास स्टिल स्पेशल डिलीवरी की ऑप्शन मौजूद है, मुझे पता था ये यूज करेगा उसे। 5 runs conceded from the over. अजीत अगारकर is back once again. Okay. He's gone for the slog and 6. That's a big one. He took the aerial route, but it paid off. Off par kyunki fielder koi nahi hai. तो इस मौके का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं, और इस गेम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI जो है वो फील्ड प्लेसमेंट में भी मार खाती काफ़ी। अभी ने ऑफ पर मार पड़ी है, ऑफ पर फील्डर ले लिया वैसे एक उन्होंने, मे बी आई वॉज रॉन्ग। अर्ली खेल गए थोड़ा सा, और एक और बग इस गेम का ये है कि विकेट कीपर जो है वो हेलमेट नहीं पहनता भाई। ओह फिर उसी कान पे तो नहीं लगी,
He's got the batsman jumping around all over the place. लेकिन विकेट कीपर हेलमेट ना पहने तो भाई इससे क्या मसला है, उसकी मर्जी है। तो 4 रन हो जाएंगे ये। इसी के साथ पाकिस्तान का स्कोर हो चुका है 107 for 4। A productive over for the batting side. इरफान पठान और अगारकर ही बस बॉलिंग के लिए आई जा रहे हैं। The left armer to continue. Oh no! Dropped! Yay! Catches win matches, put them down. दो दफा बच गया यार, दो दफा। That's one more दफा. Score. Special delivery, is it? तो अगर आप स्पेशल डिलीवरी नहीं करवाते एक दफ़ा और उस पर आपको हिट पड़ जाती है, फिर भी स्पेशल डिलीवरी आपके पास ही रहती है, अनलेस कि इट्स अ 4 or 6 में भी। What makes a really great fast bowler? This is for a single. The really great fast bowlers. ओवर हो चुके हैं जी, 11वां ओवर जारी है, 10.3 ओवर्स हो चुके हैं। That make them outstanding. First of all, they're fit. कैच भी हो सकता था यहाँ पर यार, और रन आउट भी हो सकता था। फिर से 111 के स्कोर पर पाकिस्तान 4। इतनी ज़्यादा स्विंग? That's insane swing, man. Also got to be very intelligent and make good use of that added control and pace that they have. अजीत अगारकर, और कोई बॉलर ही नहीं आ रहा, शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है भाई इंडियन टीम को इन दो बॉलर्स पर। He's played that beautifully once more. रज़ाक 25 पर, मलिक 16 पर। ना करना यार, जख्मी ना कर देना, वो बल्ला ही फेंक दिया उसने तो, खून निकल आया। No run score. उड़ जा बेटा। स्पेशल डिलीवरी। That's a 4 for sure. That should go all the way to the boundary. मैच जो है अब थोड़ा सा पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ, unless के यहाँ पर 2-3 विकेटें गिर जाएं। Oh, well held by that spectator. That was a really classy shot. Well held by a spectator. इसका क्या मतलब है? Too late on the shot there. Too late, mate. फिर से इरफान पठान, लगता है 10-10 ओवर करवाने हैं भाई इनके। Left armer to continue. Beautifully played. Straight shot. 4-6, तो ये रीप्ले देखना तो बनती है इसकी, क्या ख्याल? पहला छक्का स्ट्रेट का, क्या बात है बाबू। अंपायर सिग्नल दैट इज लेग बाय, लेग बाय का भी स्कोर मिल गया यार। That's a wide. The keeper out with that one. That's out. Caught and ball. Only a slight fumble, but safely pouched. Let's have a look at that from another angle. By the way, comment section में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा अगर आप ब्रायन लारा क्रिकेट 2007 का गेमप्ले देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ उसका भी। मोइन खान माई फेवरेट प्लेयर अलॉन्ग विद वकार यूनिस इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड मोहम्मद आसिफ एंड मोहम्मद आमिर। बाय नो मींस परफेक्ट टाइमिंग।
out for North. That was an important catch. Did very well to hunt. Gone on a duck. Saqlan Mushtaq. New tail end batsman in now. 6 out ho gaye mazak mazak mein. It's been a great spell of bowling out there. He's troubled all the bats. Here Ajit Agarkar. अभी भी पावर प्ले ही चल रहा है। 4 runs. तो 15 ओवर तक आप फील्डर्स जो हैं बाहर नहीं निकाल सकते। पहले ये रूल था, आई थिंक सो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के 10 ओवर्स के बाद पावर प्ले 1 खत्म हो जाता था, शायद था ऐसा। और 139 स्कोर हो गया और यहाँ पर लिखा भी नहीं आ रहा कि कितना चाहिए, कितनी बॉलों पर। तो थोड़े से ये भी मसले मसाइल हैं। और इस गेम के एंड पर, इस वीडियो के एंड पर मैं रेटिंग दूंगा भाई इस गेम को, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा छक्का था वैसे ही। मेरे हिसाब से इसको आउट ऑफ 10 स्टार कितने मिलने चाहिए, आई मीन एज अ क्रिकेट गेम, एज नॉट जस्ट अ गेम बट एज अ क्रिकेट गेम। इट्स ऑल ओवर भाई। उन्होंने 41.1 ओवर में किया था जी 145, हमने 13.4 ओवर में किया है 146/6। और ये रहे जी स्कोर कार्ड बैटिंग का पाकिस्तानी, ठीक है। ये बॉलिंग फिगर्स रहे और जो कुछ भी है बाकी सारा आप देख सकते हैं ये बटन वगैरह प्रेस करके। तो मेरे हिसाब से भाई मैं देता हूँ इस गेम को एज अ क्रिकेट गेम 5 star. How's that? Yeah. Anyway, thanks for watching and thanks for your time. If you want me to review another cricket games for you, then please leave a comment, hit a like and share this video. Allah Hafiz.